हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज मैं अपने गांव में आदेश भाई और निदेश भाई की शादी की संपन्न होने की खुशी में जो पार्टी है उसमें है, और अभी हम हलवा बना रहे हैं। मैं दिखाता हूं आपको। दोस्तों ये है मेरे चाचा अशफाल जो कि है उत्तराखंड पुलिस में, और ये है मेरे चाचा जो कि रहते हैं जयपुर। इनका नाम है मंत्री, इनका नाम है अशफाल, और ये हमारे बीच में देवेंद्र चाचा। और अभी दोस्तों हलवा बन रहा है, हलवा की पूरी प्रिपरेशन हो गई है, बस इसमें पानी डालना बाकी रह गया है। तो अब जो है चाचा पानी डाल रहे हैं इसमें, गरम गरम पानी। और ये देखिए दोस्तों हलवा हो गया है तैयार। ये देखिए पूरा इतना धुआं हो गया है पूरा इतना, और इधर जो है पूरे गांव वाले आ रखे काम करने के लिए। उधर सारी औरतें जो है रोटियां बना रही है, और इधर हमारे बड़े बड़े लोग जो है वो काम कर रहे हैं। दोस्तों इनको हम कहते हैं अपनी भाषा में भंगण्याटे, जो कि है बकरे की टंगड़ियां। आप देख सकते हो दोस्तों इसको। दोस्तों ये है, इसमें 10 बकरों के सिर हैं जो कि अभी उबल रहे हैं। इनको अच्छे से क्लीन कर दिया था। क्लीन करने के बाद अब इनको पकाया जा रहा है, इनको अच्छे से बॉयल किया जा रहा है। बॉयल करने के बाद इनके छोटे छोटे पीस किए जाएंगे। हमारे नेता ताऊ जी जो हैं वो अभी वॉइस सुन रहे हैं, और पोस्ट मास्टर साहब अभी हमारे बहुत बिजी हैं, और इधर हमारे मामा जी लगे हैं। ये मेरा दोस्त है मंजीत, मंजीत गुसाई। दोस्तों ये बन रहा है बासमती चावल, और हमारे चाचा जी बना रहे हैं इनको। चाचा जी बताओ कौन सा चावल है ये? हाँ 140 रुपए किलो। कितना किलो बनाया जा रहा है? 40 किलो बनाया जा रहा है। यहाँ पे हमारे अनवीर भाई और जयवीर भाई अभी जो है वो ग्रेवी पीस रहे हैं। आए बोल दो एक बार। और ये गांव की सारी औरतों जो है ये रोटियां बना रही है। इसमें दो लड़के हैं, उनको भी हम लड़कियों में गिन रहे हैं। अभी ये रोटियां बना रही है। हाय बोल दो एक बार, हाय बोल दो सब। और दोस्तों हमारे गांव में ऐसे रोटियां बनती है, बड़े बड़े तवे होते हैं, सारे गांव की औरतें आई रहती है रोटी बनाने के लिए। एक बार हाय करो सब। ये देखो दोस्तों सब हाय करो, हाय करो, हाय करो। और ये सोनी रावत रोटी पलटती हुई यहाँ पे मेरे चैनल में। सब आए करो, ये देखो सारे गांव की औरतें, कोई दारू पी रही है, कोई बीड़ी पी रही है, कोई रोटी बना रही है। और यहाँ पे अभी चाय पिलाई जा रही है सभी दोस्तों को, मतलब दोस्त भी इधर हैं, और इधर हमारी दादी है, चाची है, बहन है, बुआ है, सभी लोग हैं। भाभी, हाँ भाभी भी है, भाभी इधर है। और दोस्तों हलवा हो गया है तैयार, अब इसको जो है कढ़ाई के ऊपर ही ठंडा किया जा रहा है, और आशु चाचा इसको कार्य को संपन्न कर रहे हैं। देखो आग से दोस्तों इधर हटा के इधर रख दिया है ठंडे में, ताकि हलवा जल ना जाए। और हलवे की जो खुशबू है, उसका जो स्मोक आ रहा है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि कैसा लग रहा है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों। आप देख रहे होंगे कॉर्नर से ये जो है ये चिपक नहीं रहा है, इसका मतलब ये है कि हलवा तैयार हो गया है। दोस्तों अभी हम बांट रहे हैं डोने, कार्यकर्ता है, और जब तक इनको हलवा नहीं मिलेगा तब तक ये रोटी पूरी नहीं बनाएंगे। सबको हलवा खिलाया जाएगा। अरे हलवा खाना जरूरी होता है, रोटी कच्ची 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 रह जाएगी। देखिए ये कलाकारी, देखिए मूवी देवल। एक टीम इधर बैठी हुई, मेहमान बाहर से आए हुए मेहमान। हमारी दीदी को प्लेट कहाँ है? तुम्हारी दीदी कहाँ है? तुम्हारी दीदी ये तुम्हारी दीदी। तो दोस्तों हलवा आ चुका है कटोरी में, और सबको हलवा दिया जा रहा है। जितने भी इधर लोग बैठे हैं सब लोग हलवा खा रहे हैं। देखिए, और यहाँ पे देखिए बच्चे, हमारे गांव के बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा हलवा ले रहे हैं। देखो उधर हलवा के साथ रोटी भी खा रहे हैं। तो ये है मेरी बहन निक्की, और ये रोटी बना रही है, ये ऐसा करके।
हाय करते निक्की एक बार। तो दोस्तों शादी हो गई है खत्म, सारा टेंट वाला अपना सामान समेट रहा है और ये रहा मेरा गांव। ये पूरा गांव नहीं दिख रहा है अभी, ये ऊपर ऊपर का है, उधर नीचे आगे जाकर के और बहुत बड़ा गांव है। और ये देखो दोस्तों पूरा टेंट उतारा जा रहा है, डीजे वीजे स्टेज सारा निकाला जा रहा है। और उधर उनका मकान है जिधर शादी हो रही थी, और ये हमारे दादाजी अभी जा रहे हैं हाय करते हुए, और ये सारे गाँव के लोग इधर खाना बना रहे हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा गांव और मेरे गांव के लोग, और कैसा लगा हमारे खाना बनाने का तरीका? अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ओ मंत्री।